हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, आज एम के स्टडी चैनल पर आपके लिए एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 15 गुना लिस्ट के बारे में बताया जाएगा कि ये लिस्ट कब तक जारी होगी और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इस जानकारी का अधिक से अधिक लोगों को पता चले, जिससे वे अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी को कर सकें। आइए दोस्तों, इस भर्ती की 15 गुना लिस्ट के बारे में जानते हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। दोस्तों, आप सभी के लिए एम के स्टडी चैनल पर पशु परिचर, एलडीसी, रीट, पटवारी और सभी राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित और आरपीएससी के द्वारा आयोजित विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों की राजस्थान जीके के प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर रोज रात 8 बजे हल करवाया जा रहा है, जो आपकी इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यह कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का ट्वीट है, जो कि इसमें बताया गया है कि एलडीसी एग्ज़ाम 2024 15 गुना लिस्ट के बारे में कहा गया है कि यदि चुनाव आयोग से क्लियरेशन मिल जाता है तो इस की जो 15 गुना की जो लिस्ट है उसे हम 15 दिन के अंदर निकाल देंगे। यदि क्लियरेशन नहीं मिलता है तो यह 15 गुना की लिस्ट 10 जून तक जारी की जाएगी। दोस्तों, इसलिए आप अपनी एलडीसी और दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा बताया गया है कि एलडीसी एग्ज़ाम 2024 की 15 गुना लिस्ट के बारे में कहा गया है कि यदि उन्हें चुनाव आयोग से क्लियरेशन मिल जाता है तो वे 15 दिन के अंदर इसकी 15 गुना लिस्ट को जारी कर देंगे। यदि क्लियरेशन नहीं मिलता है तो इस लिस्ट का 10 जून तक जारी किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपनी एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक की तैयारी को जारी रखें, क्योंकि दोस्तों, यह लिस्ट यदि 10 जून तक आती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसकी तैयारी कर सकें। इसलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि दोस्तों, यदि इसमें आपका 15 गुना लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप आने वाली सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी को भी शानदार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी इस तैयारी को जारी रखें और एम के स्टडी चैनल पर आपके लिए विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों, 80 से 90% प्रश्न विगत सालों में पूछे गए रिपीट होते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए।